नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। धाकड़ हरियाणा में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं संजीव अलेचा सहयोगी वेद प्रकाश जी के साथ और आज हम पहुंचे हैं आज़ाद इन डॉग फार्म। यहाँ पे हैं दयाराम जी जो पशु और पक्षियों से बेहतरीन प्यार रखते हैं। आप थोड़ा सा नज़ारा देखें कबूतरों की साइड। दयाराम जी ने यहाँ पे बेहतरीन से भी बेहतरीन आविष्कार किए हैं। अपनी छत को एक उन्होंने बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह, अगर आप लगाना चाहें तो उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे ये पूरे बारिश का जो पानी है वो पूरा स्टोर रखते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं अपने दयाराम जी के पास। दयाराम जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले? आप कृपा डालने का धन्यवाद सबसे पहले तो, कि हमारी जो आवाज़ है वहाँ पूरे प्रदेश के अंदर जाए, किसी प्रकार की सबक लें लोग किसी भी सामाजिक कार्य में अच्छा करने के लिए। और हमारा संदेश यही है कि भी हर एक आदमी को अपना समय के अनुसार कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। और हम तो आज से 20 साल पहले से सोचते हैं कि भी आगे होने वाला क्या है। तो अभी जो टीम को दिखा रहे हैं वो सब बताएंगे, अलग अलग भाई हमने सब कुछ किया है और भविष्य में लोगों को भी यही समझाएंगे कि कुछ न कुछ करें। तो हमारा हर एक काम की अलग अलग पहचान है, कभी डॉग फार्म की, कभी डॉगी की, कभी पेड़ों की, कभी पक्षियों की, कभी डॉग की, और कभी जगह बनाने की, कभी स्टील कार्य की, कभी पानी की बचत की। जो कि आज बाढ़ के समय हमने सब लिया था कि पीने का पानी यही है, और इसके अंदर जब बाढ़ आ जाती है तो उसके लिए जो हमने अपना काफ़ी अनुभव हुआ। और उसके बाद ऊपर एक टैंक बनाया जो हम टीम को दिखाई। चलो अब हम चलते हैं इनके छत पर, जो जहाँ पे इन्होंने बेहतरीन एक टैंक का निर्माण किया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं, अब हम इनकी छत पे आ चुके हैं। आप देखिए पूरी छत टाइलों से परिपूर्ण है, टाइलें लगी हुई हैं। यहाँ पे डायरेक्ट पानी, बारिश का जो पानी होता है वहाँ पे यहाँ स्टोर किया जाता है। और यहाँ हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जो पाइप है यहाँ पे ये रोक दिया जाता है। और ये छोटी पाइप है, ये डायरेक्ट जो नीचे टैंक है ना तो उसके अंदर जाती है ये पाइप। इनका ये कहना है कि अगर बाढ़ के अंदर या जहाँ पे भी पानी का अगर स्टोर ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे ये पानी बेहतरीन उसमें काम आता है, क्योंकि उस टाइम पीने का पानी किसी के पास नहीं होता। तो महीना पूरा मोहल्ले के लिए पानी प्राप्त। तो दयाराम जी थोड़ा सा विस्तार में हमें बताएंगे। हाँ ये पानी के लिए हमने जब बाढ़ का समय आया जब सबक मिला कि भी पानी पीने के लिए नहीं बचेगा। बाढ़ के अंदर कोई भी कुआ जोड़ तालाब नल पानी बारिश का गंदे पानी से भर जाता है, उस टाइम पीने की बड़ी प्रॉब्लम आती है, पानी कहीं नहीं होता। इसलिए हमने इस टैंक को बनाया, पहले से दिमाग लगा के भी क्यों ना हम एक टैंक बनाए जिसमें बाढ़ का पानी साफ सुंदर जब बारिश आए रोक ले। रोकने के बाद इसमें इमरजेंसी में पानी लोगों को हम दे दें भाई पीने के लिए। और वैसे शुद्ध पानी यहाँ से हर्टमेंट करके बारिश का पानी टैंक में लेके जाते हैं अपने रोजाना के डेली यूज के लिए। तो दयाराम जी ये जो आपने यहाँ पे ये निर्माण किया हुआ है, तो ये अगर एक बार पानी अगर पूरा स्टोर कर लें आप तो कितने लोगों के लिए काम आ सकता है ये? कम से कम 5,000 आदमियों को आराम से पानी पीने के लिए 5-7 दिन के लिए मिल सकता है, काफ़ी स्टॉक है यहाँ ये पानी का। देखो अब आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी जो हैं आपको दोबारा दिखाएंगे यहाँ का विस्तृत।
ये जो टाइलें आपको दिखाई दे रही हैं, ये साधारण टाइलें नहीं हैं, ये टाइलें असाधारण हैं, क्योंकि इन्हीं टाइलों के नीचे एक बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है जिसमें बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है और ज़रूरत के समय उसे प्रयोग में लाया जाता है। क्योंकि जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ के दौरान पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या थी और उसी से देखते हुए, उसी से प्रेरित होकर दयाराम जी ने छत के ऊपर ही पूरा का पूरा पानी का एक टैंक बनाया जिसमें बारिश का पानी स्टोर होता है। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे टैंक बना हुआ है जो बारिश का पानी पीने में प्रयोग होता है। अभी ये जो टैंक हमारे पास लगा हुआ, देखिए ज़रा, और इस टैंक की खासियत देखिए। अभी तो पहले तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इसके अंदर जब इसको खोलेंगे, अब इस टैंक को खोलने के बाद आपको पता लगेगा इसके अंदर कितनी गंद लगी हुई है, जिसे हम बार बार साफ नहीं कर सकते। फोटो अंदर का दिखाइए सर, देखो बेशुमार इसके अंदर हरा कार्बन आया हुआ है और ये एक किस्म से फिल्टर है ये टैंक। इस फिल्टर टैंक के अंदर कोई भी गंदगी नीचे नहीं जाने दे रही है। इसके अंदर कम से कम एक इंच डेढ़ इंच परत जमी हुई है गंदगी की। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस प्रकार की गंदगी है। ये देखिए, ये गंदगी है इस तरह की। ये पाइपों के अंदर नीचे ज़मीन में नहीं जाने देती हमारे पास पीने के लिए, और ये फिल्टर करती रहती है। और इस टैंक के अंदर कम से कम ये 10 किलो इस तरह का ये मलबा जमा हुआ है। और दूसरे टैंक जो साथ में इसके हमने दूसरा टैंक भी लगाया, ये उस टैंक की बजाय देखना, इसमें आम घरों में जो टैंक लगा ये नहीं है। जिसके लगा वो उसको पता लगेगा कि टैंक की पहले हम सोचते भूत गंदी पकड़ता, दूसरा बदली करेंगे। लेकिन एक दूसरा टैंक भी देखिए आप, अभी खोल के दिखाते हैं। नहीं दयाराम जी, ये फिल्टर कहाँ से लगा, कैसे लगाया? ये फिल्टर नहीं है, ये कंपनी जो बना रही है इसी टैंक को, ये ऑटोमेटिक ही फिल्टर है। इसके अंदर क्या केमिकल डाला गया है जो ये पूरे पानी को फिल्टर करता है इस तरह। ये कंपनी से आरओ की तरह है, देखो ये आपके सामने है, आरओ की तरह है ये पानी, इसको साफ कर रहा है बिल्कुल। और इसके साथ कंपटीशन में दूसरा टैंक दिखाते हैं आपको, खोल के उसके अंदर कुछ नहीं होगा जो आपके घरों में भी लगे। चलिए आइए हम देखते हैं दूसरा टैंक। ये दोनों का एक संपर्क है, ये भी बोलो, ये दूसरे टैंक के साथ एक संपर्क। एक मिनट रुको, अब ये हटा देता हूँ यार, पल्ली पर सावधानी से खड़े हो जरा आप, कैमरे से देखिए ये टैंक में और उस टैंक में, ये साफ है बिल्कुल, दोनों में एक ही सप्लाई है। आप देखो है, तो अब आप देख सकते हैं दोनों टैंकों में डिफरेंस। इस टैंक के अंदर भी वही पानी है और इस टैंक के अंदर भी वही पानी है। इस टैंक में लाखों प्रकार का मतलब कार्बन, आप कई तरह का जो आप गंदगी जो होती हो, है हम पीते हैं ये गंदगी, और ये भी फिल्टर होके हमारे नीचे सप्लाई में आती है, और एक ये टैंक है। तो दयाराम जी थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं फिर हमें। ये एकदम साधारण टैंक है, हमें पहले अच्छा लगता था कि भी साधारण टैंक है ये, और इसके अंदर पानी की जो मात्रा है वो एकदम बढ़िया है। लेकिन अब जैसे जैसे पता लगता गया कि बढ़िया की बजाय इस टैंक का दूसरे का जो लगाया गया है, ये तो एकदम आरओ और पूरा टीडीएस को ख़त्म कर रहा है। जो भी टीडीएस गंदगी का आता है या घड़े के अंदर जो टीडीएस हो जाते हैं, उसको एकदम सही निकाल रहा है। न गर्म करने की जरूरत, न फिल्टर करने की जरूरत, न गंदगी जाने देता है। तभी हम खुश हैं कि अभी इस तरह के टैंक हम लगाएं, दूसरी जगह भी लगाने तो ये लगाएंगे। और इसको एक साल में दो बार साफ करते हैं, इसमें कम से कम 10 किलो मलबा निकलेगा जो हमारा पेट में जाने वाला था इसने रोका है। तो इसलिए मैं आपको सुझाव भी दे रहा हूँ कि आपके किसी घर लगे आप गंदगी को ना समझिए, गंदगी नहीं है, ये फिल्टर टैंक है। और बोलिए सर इसके बारे में कुछ आपको जानकारी लेनी है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे, नीचे भी और इनके जो पशु पक्षियों के बारे में है वो विस्तृत जानकारी। पेड़ों के लिए भी पीछे देखो, हाँ वहीं चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये दयाराम जी, ये जो एक वायर है हमारे इसके अंदर टैंक के अंदर, ये किस चीज की वायर है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये वायर कंट्रोल वायर है इनके अंदर, दोनों टैंकों में है, बल्कि
ये जैसे ही पानी खत्म हो जाएगा ये वायर अपने आप मोटर को वापस चालू कर देगी ताकि पानी एकदम शेष ना हो, और जब टैंक भर जाएगा तो ताकि ऊपर से ना उतरे इसलिए इसका कंट्रोल पहले लगा हुआ है कि ताकि ये बंद कर सके, तो मोटर को नीचे से ऑटोमेटिक बंद करती है और बंद करके चालू करती है। ये आपने कंट्रोलर खुद लगवाया है या कंपनी ने दिया? जी हाँ, मैं खुद ये काम करता हूँ काफ़ी दिनों से, सालों से। ये टैंक वगैरह भरना, खाली करना, पानी के ऊपर सर्च करना, बंद करना, चालू करना, मोटरें बंद होना ऑटोमेटिक, इसमें न तो पानी इन्वेस्ट जाता है न ही ज़्यादा भरता है न नीचे चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि टैंक खाली होगा बंदे को पता नहीं लगता, लेकिन यह ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक ये पंप चालू हो जाएगा, पानी खत्म होने का उसकी मात्रा है नीचे 10-20 किलो पानी बचेगा तो चालू हो जाएगा। ये अपने आप चालू हो जाता है? हाँ, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। क्या कॉस्ट रहेगी सर इस टैंक की? नहीं, कॉस्ट का ये खुद टैंक तो 3500-3600 रुपये का खरीदा था समय पर, अभी पता नहीं कितनी है। तो ये की क्वालिटी की आती है ये वाले टैंक, कोई इस टैंक से कोई मतलब नहीं, संपर्क जो तारे लगी हैं इससे संपर्क नहीं, किसी टैंक में कर सकते। आम घंटी आई हुई है आजकल तो, फिर भी पानी भर गया टैंक बंद कर, टैंक भर गई तो वो ऑटोमेटिक आवाज़ भी दे रही है, बोले भी की, और फिर टैंक ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो ये देखिए, ये दयाराम जी ने खुद एक छोटा सा आविष्कार किया है जो टैंक की अपने आप भर भी जाएगी और अपने आप अगर खाली भी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक मोटर को स्टार्ट करके ही अपने आप फिलअप हो जाता है। भरने पे बंद हो जाए। तो अब हम यहीं विराम करते हैं और अपना कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालें। धन्यवाद। धाकड़ हरियाणा।